कबीर रहमान अली रहमान, ई रिक्शा चालक, रहीम रसखान परंपरा का कवि, बस्ती जनपद का निवासी, जन सरोकार मंच के माध्यम से सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम, हार्दिक वंदन अभिनंदन। और आज मैं कुछ मुक्तक, कुछ कविता, कुछ भोजपुरी आप लोगों के वास्ते समर्पित करता हूं। इसे देश में और सामाजिक तौर पर श्रोता बंधुओं को एक नई दिशा मिलेगी, मुझे आशा है। और इसी विश्वास के साथ मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। चर्चित हूं अपने मुल्क में ईमान के लिए, है हौसला बुलंद स्वाभिमान के लिए, आए वतन पे आंच गंवारा नहीं मुझे, कुर्बान है ये जान हिंदुस्तान के लिए, कुर्बान है ये जान हिंदुस्तान के लिए। गंगा जमुनी देश में क्यों बुराई धर्म की, गंगा जमुनी देश में क्यों बुराई धर्म की, रहते सभी एक बेश में, करते बड़ाई कर्म की, और भेज दो पैगाम ऐसा अमन का मेरे खुदा, सब मिले फिर से गले, ये लड़ाई शर्म की, ये लड़ाई शर्म की। और जिस्म पर अपने हिंदुस्तान लिखता हूँ, जिस्म पर अपने हिंदुस्तान लिखता हूँ, शाम को गीता सुबह कुरान लिखता हूँ, और जो गुजर गए लम्हा जिंदगी के साए में, दोस्तों उसी पे दास्तान लिखता हूँ। और चार पंक्तियां निवेदित है कि आ सकूं काम अपने वतन के लिए, आ सकूं काम अपने वतन के लिए, ताकि पाऊं तिरंगा कफन के लिए, और नाम चर्चित रहे स्वर्ण इतिहास में, छोड़ जाऊंगा खुशबू चमन के लिए, छोड़ जाऊंगा खुशबू चमन के लिए। और आज मैं एक कविता पढ़ता हूँ, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और कविता सुनकर आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप दुआ देंगे, क्योंकि मैं माटी से जुड़ा कवि हूँ और समाज की सच्चाई को सामने रखता हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ कविता की, कि रात घनेरी दुखद रुझान, रात घनेरी दुखद रुझान, पैसे समझूं हुआ बिहान। यहाँ पर बिहान शब्द को कवि ने खुशहाली के लिए रखा है, खुशहाली को देखता है। हमारी सरकार हर वक्त यही वार्तालाप करती रहती है कि हमारे देश की जनता बहुत खुशहाल है, हम एक नव भारत निर्माण कर रहे हैं, रामराज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो इसी का चिंतन मनन करके हमने एक कविता तैयार किया है कि रात घनेरी दुखद रुझान, कैसे समझू हुआ बिहान। अस्पताल की हालत खस्ता, जहां मरीज जलालत सहता, देख दृश्य कुछ नहीं सुहाता, बने डॉक्टर आज विधाता, और द्रव्य लोभ में फर्ज भुलाकर कर देते हैं गलत निदान, कैसे समझू हुआ विहान, रात घनेरी दुखद रुझान। रक्षक बने जो आज वतन के, गले मिल रहे हैं दुश्मन के, राष्ट्र धर्म की तनिक न चिंता, मद में झूम रहे बलवंता,
शपथ तोड़ स्वार्थ के खातिर धूमिल करते अपनी शान, धूमिल करते देश किसान, कैसे समझूं हुआ बिहान, रात घनेरी दुखद रुझान, कैसे समझूं हुआ बिहान। दुष्कर्मों का खेल यहाँ पर, दुष्कर्मों का खेल यहाँ पर, चोर पुलिस का मेल यहाँ पर, चीख रही दुखिया थाने में, मुजरिम झूमे मैं खाने में, और सोच रहे सब भूखे नंगे, सोच रहे सब भूखे नंगे, कितना बेबस हिंदुस्तान, कैसे समझू हुआ बिहान, रात घनेरी दुखद रुझान, कैसे समझू हुआ बिहान। नौजवान मतदान से वंचित, नौजवान मतदान से वंचित, अधिकारी को सोच न किंचित, गांव गढ़ी दुर्बल की बस्ती, कर्मचारी सब मारे मस्ती, और कुछ ना फिकर भविष्य की उनके, कुछ ना फिकर भविष्य की उनके, मिटा रहे उनकी पहचान, कैसे समझूं हुआ बिहान, रात घनेरी दुखद रुझान। शिक्षा अभियान हीन हो रहा, शिक्षा अभियान हीन हो रहा, विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहा, शिक्षा अभियान हीन हो रहा, विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहा, मिड डे मील का खेल तमाशा, खत्म हुई बच्चों की आशा, अब प्रगति रोक कर अफसरान सब काट रहे मेवा मिष्ठान, कैसे समझू हुआ बिहान, रात घनेरी दुखद रुझान। और इस कविता की अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने कि हर विभाग घुसखोर हो गया, हर विभाग घुसखोर हो गया, काम काज में चोर हो गया, हर विभाग घुसखोर हो गया, काम काज में चोर हो गया, और हो गए मनुज अब पत्थर दिल, इंसाफ यहाँ मिलना मुश्किल, भाग रहे सब द्रव्य के पीछे, छोड़ के अब अपना ईमान, रात घनेरी दुखद रुझान, कैसे समझू हुआ बिहान, कैसे समझू हुआ बिहान, रात घनेरी दुखद रुझान। और आपको एक लोकगीत भोजपुरी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इससे आप में जागरूकता आएगी, समाज को एक नई दिशा मिलेगी ये गीत सुनकर, और ये सच्ची गीत है लोकगीत, जो सभी बूढ़े बुजुर्ग जवान के इर्द गिर्द ये घूमती रहती है गीत। और गीत के बोल है कि कैला गौवा में कौनो जुगार सजना, कैला गौवा में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। एक गांव की किसान महिला है, जब उसका पति परदेश से आता है, तब वो अपने पति से अपनी व्यथा सुनाती है, और उसका पति 18 वर्ष की उम्र से परदेश ही रहता है, वो कभी घर का सुख नहीं पाया है, और बूढ़ा हो चला है, और ऐसे हालत में उसकी बीवी
उससे हाथ जोड़कर निवेदन भी करती है, अपनी व्यथा भी बताती है। ये सब चीज आपको इस गीत के माध्यम से मिलेगा। अब गीत मैं पढ़ता हूँ कि कैला गौआ में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। सारी जिनगिया बहरवा बितौला, सारी जिनगिया बहरवा बितौला, अगवा के खातिर कुछ न बनौला। सारी जिनगिया बहरवा बितौला, अगवा के खातिर कुछ न बनौला। फिर काहे चढ़ला खुमार सजना, कैला गौआ में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। घरवा के सुखवा कुछ नाही पौला, घरवा के सुखवा कुछ नाही पौला, सोनवा के दहिया मटिया मिलौला। घरवा के सुखवा कुछ नाही पौला, सोनवा के देहिया मटिया मिलौला। आज पढ़ लिख के बनला गवार सजना, कैला गौआ में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। आगे वो अपनी वेदना को व्यक्त करती है अपने पति के सामने महिला, कि कौनो वकतवा न हमनी के बाटे, कौनो वकतवा न हमनी के बाटे, बड़का लड़िकवा घूर घूर डांटे। कौनो वकतवा न हमनी के बाटे, बड़का लड़िकवा घूर घूर डांटे। बैठ बिलखू में निस्दिन दुआर सजना, कैला गौआ में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। लड़के दहिजरे सुखवा के भूखे, लड़के दहिजरे सुखवा के भूखे, करत लड़ाई खूब रहते हैं रूठे। लड़के दहिजरे सुखवा के भूखे, करते लड़ाई खूब रहते हैं रूठे। भागे बोले पे एमपी बिहार सजना, कैला गौआ में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। मन के सपनवा हो गइल माटी, मन के सपनवा हो गइल माटी, भइले उघार दुअरवा के टाटी। मन के सपनवा हो गइले माटी, भइले उघार दुअरवा के टाटी। बची कैसे लगिया हमार सजना, बची कैसे लगिया हमार सजना, कैला गौआ में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। अपनी धरतिया से नेहिया लगावा, अपनी धरतिया से नेहिया लगावा, मेहनत के बल खूब सोनवा उगावा। अपनी धरतिया से नेहिया लगावा, मेहनत के बल खूब सोनवा उगावा। कब मिली हैं खुशियां अपार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना, कैला गौआ में कौनो जुगार सजना। और इस लोकगीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ कि रहमन सलहिया से तुमका बुलावा, रहमन सलहिया से तुमका बुलावा, गौवन के लोगवन से प्यार जतावा। रहमन सलहिया से तुमका बुलावा, गौवन के लोगवन से प्यार जतावा। फिर हुई है तोहरो सुमार सजना, फिर हुई है तोहरो सुमार सजना, कैला गौआ में कौनो जुगार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना, जिन जइहा सहरवा हमार सजना। और इसी के साथ एक गीत और
पढ़ता हूँ। बसंत पंचमी के अवसर पर ये गीत मैंने लिखा था कि मोरी चुनरी उड़ेला गगनवा में, मोरी चुनरी उड़ेला गगनवा में, नाही पाऊं संहारी पवनवा में। मोरी चुनरी उड़ेला गगनवा में, नाही पाऊं संहारी पवनवा में, चढ़ते फगुन पतझड़ हर राइल, चढ़ते फगुन पतझड़ हर राइल, अमावा के कुचवा गईल बउराइल, सज गईले धरती बन के दुल्हनिया, मन मोर मचले सिवनवा में, नाही पाऊं संहारी पवनवा में, मोरी चुनरी उड़ेला गगनवा में। रोज रोज झोंका पुरुआ के आवे, रोज रोज झोंका पछुआ के आवे, उड़ी उड़ी गेसु गलवा पे धावे। रोज रोज झोंका पछुआ के आवे, उड़ी उड़ी गेसु गलवा पे धावे, मारे शरमवा के पग नाही संभले, मारे शरमवा के पग नाही संभले, मधुमास छाइल फगुनवा में, मोरी चुनरी उड़ेला गगनवा में, नाही पाऊं संहारी पवनवा में। फरी के गदर गईले छतवा में तीसिया, तीसी एक तेल होता है, इसकी पेराई की जाती है। बहुत पुराने जमाने में तीसी का तेल पेरा जाता था और तीसी बोया जाता था। तो फरीके गदर गईले छतवा में तीसिया, फिर भी ना आउले बलम परदेसिया, नैनन में नीर लिए बिलखू दुहरिया, निदिया ना आए भवनवा में, मोरी चुनरी उड़ेला गगनवा में, नाही पाऊं संहारी पवनवा में। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ कि होरिया में रहमन गईल पगलाइल, होरिया में रहमन गईल पगलाइल, रंगन से तन मन हमरो रगाइल, और मीठी मीठी बतियन, मीठी मीठी बतियन में हमको रिझा के, मीठी मीठी बतियन से हमको रिझा के, अखिया लड़ावे अंगनवा में, नाही पाऊं संहारी पवनवा में, मोरी चुनरी उड़ेला गगनवा में। और बाड़ी पर विराम देने के पहले जो हमारी पहचान है, मैं जिसके द्वारा पूरे देश में जाना जाता हूँ, एक छंद पढ़ता हूँ, एक छंद क्या दो छंद पढ़ता हूँ। ब्रह्मानस से तुलसी चमके हुलसी चमकी तुलसी पाकर, मानस से तुलसी चमके हुलसी चमकी तुलसी पाकर, उपदेश सुना रतना चमकी वैराग्य लिए तुलसी जाकर, और चमके राम सदा जग में तुलसी ही सुचि रूप सजाकर, और जाग उठे रहमान धरा पर शीश झुका तुलसी गुण गाकर, तुलसी गुण गाकर। और तुलसी व असुर सर प्रेम कहाँ, तुलसी व असुर सा प्रेम कहाँ, भक्तों में भक्त महान वही हैं, और लिख डाले ग्रंथ बसा ही में सिय राम किशन की जान वही हैं, और ससिसूर सबन चमके जग में मानवता की पहचान वही है, और रहमान करें गुणगान सदा जब जन जन की मुस्कान वही है, जब जन जन की मुस्कान वही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।